श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास, शांति स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कांग्रेस के शीर्ष नेता थे और अच्छे मतलब कद्दावर नेता थे। पर्सनली तौर पे उनके उनसे मेरा काफी बार मिलना जुलना भी रहा। तो देखिए, और अच्छे नेता है, मतलब प्रोग्रेसिव सोच के नेता है। युवाओं के लिए उन्होंने काफी कार्य किया पहले, जैसे कि युवा कांग्रेस के भी प्रेजेंट रहे, तो उसमें उस समय से मैं उनको जानता हूं उसमें। तो देखिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो मतलब उस तरह के नेता को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा तो अपने आप दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसका देखिए, आप कहीं ना कहीं देखिए, अगर कोई बात अगर होती है तो कहीं मनुहार करते पुचकार करके वापस लेके आते, कोई दिक्कत थोड़ी, अपना कुनबा खुद का है। तो अगर बिखरता तो खुद आपको थोड़ा नीचे बने को समस्या नहीं होती। कांग्रेस कह रही है दिनेश जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका इतना बड़ा कद है, पार्टी के अंदर प्रभारी हैं, कई राज्यों में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मनोहर लाल ऐसे कह ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। नहीं देखिए, लेकिन अनदेखी शीतल जी अगर की जाएगी, जैसे कि अभी कांग्रेस संदेश यात्रा थी उस टाइम उनकी पूरे तरीके से अनदेखी की गई, और कुछ जगह बर्फ भी, जैसे कि अब ये मैं थोड़ा सा मतलब कि आपके मतलब इजाजत से थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, जो पूरे तरीके से हुड्डा कुट जो है पूरे तरीके से जो मतलब कि पूरे तरीके काबिज होने के उसमें सीएम बनने के उसमें रेस में है और पूरा आगे होकर के, तो जैसे कि मतलब खुली कमान जो एक तरह से है हुड्डा जी के हाथ में, देखिए ठीक है अच्छी बात है देनी चाहिए, लेकिन उनको देखिए समन्वय सबके साथ में बिठा कर चलना चाहिए था। और हुड्डा जी ने सीनियर हुड्डा जी ने जूनियर हुड्डा जो है उनके हाथ में टिकट बांटने का कार्य सौंप दिया कि बैठे आप टिकट बांटो, क्योंकि उससे संदेश यह जाएगा कि टिकट जो बांटता है तो उसका देखिए वर्चस्व थोड़ा बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि बेटे की लोकप्रियता पहले से ज्यादा बढ़े, तो टिकट बांटने वाला उनको बना दिया। तो एक तरह से मान लीजिए 4-6 सीट्स पे तो पूरे तरीके से मतलब कि जिसपे उनके बिना मतलब शैलेश जी के बिना बड़ा भारी मतलब समस्या वाला काम है। उसके अलावा करीब मान के चले कि 18-19 सीट्स ऐसी हैं शीतल जी जिनपे कि उनका पूरा वर्चस्व है, मतलब एक तरह से मतलब कि पलट सक्षम है। अगर वो पलटती है, अगर जो संभावना का संसार का जिक्र मनोहर लाल ने किया है, अगर वो होता है हकीकत में बदलता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कांग्रेस को हरियाणा के अंदर। बहुत बड़ा नुकसान, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान नहीं, ये मान के चलें कि बिल्कुल उलटफेर हो जाएगा। और वो अभी पूरे तरीके से त्रस्त भी है। उसके भी तीन कारण है, जैसे एक तो पहले जातिगत जैसे टिप्पणी इनपे की गई वो बहुत बड़ा भारी मामला रहा। उसके बाद वो जैसे अपने समर्थकों के लिए जो टिकटें मांग रही थी उसमें उनकी अनदेखी की गई, और तीसरी चीज और भी जैसे अपने तरीके से मतलब बहुत सारी चीजें और सम्मिलित होकर कैसे हुई। तो इन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं जैसे अनदेखापन हो गया, हुड्डा गुट जो है उनको वरीयता दी गई। तो बराबर अगर रखते समन्वय, जैसे क्योंकि देखिए मतलब कांग्रेस जो सीनियर लीडरशिप है तो उनके लिए देखिए खुद सीनियर उसमें लीडरशिप में है, और पहले जो इनके प्रभारी थे तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं तालमेल देखने की बातचीत ऐसी मिली कि जैसे उन्होंने कि शायद प्रेफरेंस जो थी हुड्डा गुट को ज्यादा दी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी रही जैसे कि शैलजा जी रुष्ट रही, और पिछले मतलब हफ्ते में इनके मेरे ख्याल दो या तीन पोस्ट एक्स पे है, और उसमें सर्वे की कांग्रेस की पार्टी को लेकर के सर्वे एक तरह से जो घोषणा पत्र है उसको लेकर पोस्ट किया, बाकी एक शायद बिहार का पोस्ट किया है। और उसके अलावा मान के चले कि शीतली में छोटी जवाब, इसके अलावा जैसे कि पूरे तरीके से जो प्रचार है, प्रचार से शैलजा जी और उनके पूरी टीम ने एक तरह से दूरी बना के रखी है। तो इस तरह की चीजें अगर कांग्रेस चाहती है कि अपने तरीके से आगे कामयाब इनको चुनाव मिले तो कहीं ना कहीं इनको उनको मनाना पुचकारना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएगी। और अपनी ईगो जो है दूसरे नेताओं को छोड़ करके उनके नजदीक आना पड़ेगा, तभी चीजें होंगी। अदरवाइज अभी के हिसाब से बहुत भारी डैमेज और मतलब की ऐसा डैमेज होगा जो की मतलब कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। और इवन सर मुझे लगता है अगर प्रचार प्रसार में भी ना उतरेंगी तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। योगेश जी कैसे देखते हैं आप, अगर प्रचार प्रसार में भी शैलजा नहीं उतरती है तो ये भी तो आपके लिए नुकसान है, पार्टी छोड़े या ना छोड़े, जमीन पे उतरना भी बहुत है। योगेश जी देखिए अनदेखी तो ये शीतल जी कर रहे हैं, योगेश जी सीधे जवाब नहीं दे रहे। योगेश जी आप सुन पा रहे हैं? योगेश जी तो सुन नहीं पा रहे हैं। योगेश जी मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम के साथ। योगेश जी आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज को? जी योगेश जी बोलिए बोलिए, लगता है योगेश जी का संपर्क कट चुका है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास वैशाली जी, मैं चाहूंगा कि आप भी दिनेश जी से कितने सहमत हैं, क्या लगता है? जी मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं, और दिनेश जी ने एकदम सही से विश्लेषण करके बात की कि किस तरह से ये अनदेखी कर रहे हैं, और अनदेखी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी में भी इन्होंने जो पहले अनदेखी की अपने कार्यकर्ताओं की, तभी उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। और रही बात, ये बार बार बात करते हैं राव इंद्रजीत जी की, ये कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत जी दुखी हैं, प्रताड़ित हैं, और उनका इस तरह से निरादर बीजेपी ने किया है। अगर वो कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं थी, क्या करते वो कांग्रेस में रह के, बताएं आप। कम से कम बीजेपी में है उनको मान सम्मान के साथ, उनकी
यहाँ पर जितने कार्यकर्ता हैं पूरा उनको कभी इस तरह से किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी पदाधिकारी ने, किसी भी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें कभी इस तरह का एहसास मतलब वैशाली जी वो कांग्रेस से आए। वैशाली जी कहने का मतलब है कि जिनकी सरकार नहीं वो पार्टी नहीं या वो नेता नहीं है। पार्टी है, अब आप देख लीजिए पार्टी है, नेता है, लेकिन उनको कितना मान सम्मान ये दे रहे हैं अपने नेता को जिनके जिनके 21 सीटों पर। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है भाई। मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे, और इसी के साथ JKPSC UPSC की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।